शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, चैत्र मास की एकादशी को हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाता है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी को पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। मान्यता है कि इस दिन एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में पाप मोचनी एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, व्रत विधि और एकादशी व्रत से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर व्रत का संकल्प लेकर विष्णु जी की विधिवत पूजा करें। पूजा में भगवान विष्णु जी का तिलक कर उन्हें धूप दीप अर्पित करें। पीले फल फूल तुलसी पत्र और पंचामृत का भोग उन्हें लगाएं। इसके बाद विष्णु मंत्रों का जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर व्रत कथा पढ़ें। शाम के समय तुलसी जी की आरती कर घी का दीपक जलाएं। साल 2024 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को है। 6 अप्रैल को पारण यानी व्रत तोड़ने का समय रहेगा, सुबह के 6:05 से 8:37 तक। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल 2024 को शाम के 4:14 तक। एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 5 अप्रैल की दोपहर 1:28 तक। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर मेरे चैनल इंडियन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।